महू में ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने आज सोरल डैम पर हुई लूट का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि रुद्राक्ष मिश्रा निवासी इंदौर अपनी कार से महिला दो सालिया शेख के साथ मंगलवार रात 2 बजे चोरल डैम घूमने आए थे। इस दौरान रात 3 बजे करीब 4 बदमाशों द्वारा पीछे से रुद्राक्ष पर हमला कर दिया और आलिया को भी 2 थप्पड़ मारे और युवक रुद्राक्ष को पिस्तल दिखाकर बोली तू यहां से भाग जा नहीं तो तुझे भी मार देंगी। आरोपियों ने महिला को छोड़ युवक के साथ ज्यादा मारपीट की है। युवक ने अपनी जान बचाकर चोरल रिजॉर्ट पर पहुंचकर जान बचाने की गुहार लगाई एवं 100 डायल को सूचना दी है। तत्काल थाना प्रभारी लोकेंद्र हिरौरी पुलिस बल सहित पहुंचे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा 3 टीम बनाई गई और घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों और चोरल रिसोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई गई। पूरे मामले में पुलिस ने रुद्राक्ष के साथ आई युवती आलिया शेख की भूमिका संदिग्ध पाई है। युवती आलिया ने ही उसके बॉयफ्रेंड मिशप्रीत सिंह उर्फ स्मार्टी पिता हेमेंद्र संधू के साथ मिलकर ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। कल पुलिस के पास सूचना आई थी कि चोरल डैम के पास एक युवक युवती के साथ एक लूट का मामला हुआ है। उसमें जो युवक है उसको गंभीर चोटें भी आई हैं और उसके साथ उसकी फोन चेन एवं घड़ी स्नैच की गई है। जिसपे पुलिस ने बहुत गंभीरता से पूरे मामले को देखा और इसमें जो तथ्य सामने आए वो ये आए कि जो युवती के साथ लूट होना भी बताया गया था युवती इसमें खुद इन्वॉल्व थी और युवती ने अपने 4 साथियों के साथ ये प्लानिंग की थी पूरी घटना की और ये पूरी घटना को लोगों ने अंजाम दिया। इसमें टोटल जो आरोपी हैं वो 5 हैं और सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है पूरी घटना का और पूरी की पूरी जो सामग्री है उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। टोटल रिकवरी इसमें की गई है एवं जो पिस्टल यूज़ की गई थी आरोपियों के द्वारा विक्टिम को डराने के लिए वो भी इसमें बरामद।